हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बैटरी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बैटरी की दक्षता जो है, दक्षता के बारे में कल थोड़ा सा डिस्कशन किया गया था कि बैटरी की जो दक्षता होती है वो कितने टाइप की होती है। अगर बैटरी की दक्षता की बात करें तो दो प्रकार की दक्षता होती है, एक एम्पियर आवर दक्षता, एक एम्पियर आवर दक्षता और एक होता है आपका वाट आवर दक्षता। क्या होता है? वाट आवर दक्षता होती है, ठीक है। एम्पियर आवर दक्षता को जो है हम और किस नाम से जानते हैं, क्वांटिटी इफिशेंसी, क्वांटिटी इफिशेंसी, क्वांटिटी इफिशेंसी के नाम से जानते हैं, समझ में आया। वाट आवर दक्षता को एनर्जी इफिशेंसी के नाम से जानते हैं, एनर्जी इफिशेंसी, एनर्जी इफिशेंसी के, इसका और क्या नाम है, एनर्जी इफिशेंसी है, ठीक है। तो दक्षता दो प्रकार की होती है, बैटरी की जो दक्षता होती है दो प्रकार की होती है। ये वाली जो दक्षता होती है ये आपका 90 से लेकर के आपका 95% तक दक्षता होती है, समझ में आया। 90 से लेकर के 95% तक एम्पियर आवर दक्षता होती है, और 80 से लेकर के जो है 85% तक आपका, 80 से लेकर 85% तक दक्षता किसकी होती है, वाट आवर दक्षता होती है बैटरी की। तो दक्षता जो होती है एम्पियर आवर दक्षता वो 90 से 95% होती है, वाट आवर दक्षता जो है 80 से 85% होती है। ये वाली दक्षता कम क्यों होती है, ये चीज़ आगे आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एम्पियर आवर दक्षता क्या होती है, ठीक है। एम्पियर आवर दक्षता, इसे WH इफिशेंसी भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, AH इफिशेंसी। क्या बोलते हैं? AH इफिशेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर एम्पियर आवर दक्षता पढ़ेंगे, एम्पियर आवर दक्षता। अगर एम्पियर आवर दक्षता की बात करें तो बैटरी की कैपेसिटी जो है किसमें मेजर की जाती है, बैटरी की कैपेसिटी को एम्पियर आवर में मेजर किया जाता है, मेजर किया जाता है, एम्पियर आवर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो Q बराबर आपका I इंटू T होता है। Q को यहाँ पर बैटरी की कैपेसिटी बोलते हैं। I का मतलब है कि एम्पियर होगा, और T का मतलब क्या होगा, आवर होगा, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, बैटरी की कैपेसिटी को किस में मेजर करेंगे, एम्पियर आवर में मेजर करेंगे। मतलब अगर बैटरी में T आवर तक जो है I एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो उसमें कुल कितना चार्ज स्टोर होगा, Q चार्ज स्टोर होगा। तो इसी को बैटरी की कैपेसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैटरी की कैपेसिटी बोलते हैं। तो अब यहाँ से अगर इसकी दक्षता निकाली जाएगी तो दक्षता क्या होगी, तो अगर एम्पियर आवर दक्षता की बात की जाए, तो एम्पियर आवर दक्षता बराबर आपका क्या होगा, देखिए बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं, समझ में आया, बैटरी को हम क्या करते हैं, जब हम उसे चार्ज करते हैं तो हम उसे इनपुट देते हैं, और जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है तो हमारा आउटपुट निकलता है, समझ में आया। जब बैटरी चार्ज करते हैं तो हम इनपुट देते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आउटपुट निकलता है। तो होता क्या है कि चार्जिंग कंडीशन में दी गया पावर, मान लीजिए चार्जिंग कंडीशन क्या है, चार्जिंग कंडीशन आपका इनपुट होगा, डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या होता है, आउटपुट। तो दक्षता होती है वो हमारी आउटपुट बटे क्या होती है, इनपुट होती है, आउटपुट बटे क्या होती है, इनपुट। हमारी जो दक्षता होती है, दक्षता बराबर हमारा क्या होता है, दक्षता बराबर होता है आउटपुट और बटे क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। फिर परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर एम्पियर आवर दक्षता की बात की जाए तो एम्पियर आवर दक्षता बराबर हो जाएगा आउटपुट डिस्चार्जिंग
डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग कैपेसिटी, आउटपुट डिस्चार्जिंग कैपेसिटी बटे इनपुट, बटे इनपुट चार्जिंग कैपेसिटी। समझ में आया? मतलब इनपुट हम क्या करेंगे, इनपुट सप्लाई देंगे तब बैटरी हमारी क्या होगी, चार्ज होगी। तो उसकी कैपेसिटी के किस में होगी, क्यूसी होगी। समझ में आया? ये चार्जिंग कैपेसिटी होगी और ये हमारा क्या होगा, डिस्चार्जिंग कैपेसिटी। तो क्यूडी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डिस्चार्जिंग होगा और ये हमारा क्या होगा, चार्जिंग। डिस्चार्जिंग हमारा आउटपुट होगा और चार्जिंग हमारा क्या होगा, इनपुट होगा। तो एम्पियर आवर दक्षता बराबर आउटपुट डिस्चार्जिंग कैपेसिटी क्यूडी बटे क्या हो जाएगा, इनपुट चार्जिंग कैपेसिटी आपका क्या हो जाएगा, क्यूसी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारी दक्षता हो जाती है। तो आउट दक्षता जो है आउटपुट बटे क्या होती है, इनपुट होती है। तो इसका क्या मतलब है, आप ध्यान से देखिए। तो अगर एम्पियर आवर दक्षता, एम्पियर आवर दक्षता बराबर आपका क्यूडी बटे आपका क्या हो जाएगा, क्यूसी हो जाएगा। समझ में आया? क्यूडी बटे क्या हो जाएगा, क्यूसी। अब आपको पता है कि क्यूडी बराबर क्या होगा, क्यू बराबर हमें पता है ना, क्यू बराबर आई इंटू क्या है, टी है। तो यहाँ पर क्यू बराबर आई इंटू क्या हो जाएगा, टी, बटे आई इंटू क्या हो जाएगा, टी। ये आपका डिस्चार्जिंग होगा और ये आपका क्या होगा, चार्जिंग होगा। समझ में आया? ये आपका चार्जिंग हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो एम्पियर आवर दक्षता ए एच बराबर यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारी इफिशेंसी निकल आएगी। समझ में आया? परसेंटेज इफिशेंसी आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दक्षता होती है ये कितना होती है, ये जो दक्षता होती है परसेंटेज एम्पियर आवर इफिशेंसी आपकी, एम्पियर आवर इफिशेंसी आपकी कितनी होती है, ये हमारा परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 90 से लेकर के 95% तक ये दक्षता होती है। समझ में आया? अब अगर वाट आवर दक्षता की बात करें, किस दक्षता की बात करें, वाट आवर। तो वाट आवर अगर दक्षता की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है वाट आवर दक्षता। अब यहाँ पे अगर एम्पियर आवर दक्षता की बात करें तो एम्पियर आवर दक्षता हमारा निकल गया है, कितना निकल गया है एम्पियर आवर दक्षता, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर एम्पियर आवर दक्षता की बात करें तो एम्पियर आवर दक्षता बराबर आपका क्या हो जाएगा, आईडी बटे आपका टीडी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आईसी इंटू क्या हो जाएगा आपका, टीसी हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षता आपकी कितनी होती है, 90% से लेकर के कितना होता है, 95% तक होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब वाट आवर इफिशेंसी देखेंगे, वाट आवर दक्षता। अगर वाट आवर दक्षता की बात करेंगे तो वाट आवर दक्षता हमारी क्या हो जाएगी, आपको पता है कि वाट आवर पावर बराबर क्या होता है, वी, वाट आवर का मतलब है कि पावर बराबर वी आई इंटू टी होता है, होता है कि नहीं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा और टी का मात्रक क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो वाट का मतलब वोल्टेज इंटू क्या है, करंट इंटू क्या है, समय। वाट का मतलब वोल्टेज इंटू करंट है और आगे क्या है, टाइम है आपका, गुणा हो गया है तो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। तो एनर्जी बराबर आपका क्या हो जाएगा, वाट आवर दक्षता क्या है, वाट आवर का मतलब है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी। आपको बताया गया कि इसे एनर्जी इफिशेंसी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो एनर्जी बराबर हमारा वी आई और क्या है, टी है। वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं, वाट इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, आवर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आवर। तो ये तो एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट हो गया ना, एनर्जी का यूनिट आपका क्या है, वाट आवर हो गया, ठीक है। तो अगर एनर्जी इफिशेंसी देखेंगे तो एनर्जी के केस में दिया गया आपका क्या होगा, दी गई एनर्जी, बैटरी की जो एनर्जी दी जाएगी और फिर बैटरी की जो एनर्जी आउटपुट निकलेगी डिस्चार्जिंग कंडीशन में, चार्जिंग कंडीशन में बैटरी को एनर्जी दिया जाएगा और डिस्चार्जिंग कंडीशन में बैटरी से एनर्जी क्या होगी, निकलेगी उस कंडीशन में। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, वाट आवर दक्षता, ठीक है। तो वाट आवर दक्षता को हम आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाट आवर से। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिस्चार्जिंग कंडीशन में, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग कंडीशन में, डिस्चार्जिंग कंडीशन में एनर्जी
डिस्चार्जिंग कंडीशन में एनर्जी बटे चार्जिंग कंडीशन में एनर्जी, चार्जिंग कंडीशन में एनर्जी, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन आपका क्या होगा, ये तो आपका आउटपुट आउटपुट होगा ना, और ये आपका क्या होगा, इनपुट होगा, समझ में आया। ये हमारा क्या होगा, डिस्चार्जिंग कंडीशन में एनर्जी बटे चार्जिंग कंडीशन में एनर्जी। तो चार्जिंग कंडीशन हमारा इनपुट होगा और ये क्या होगा, आउटपुट, और दक्षता बराबर आउटपुट बटे क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर एनर्जी इफिशियंसी का मान अगर हम निकाल दे रहे हैं, तो एनर्जी इफिशियंसी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डब्ल्यू डी और बटे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू सी। डब्ल्यू सी का मतलब डिस्चार्जिंग कंडीशन में एनर्जी, और बटे चार्जिंग कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। तो हमारा जो इफिशियंसी है, वाट आवर इफिशियंसी बराबर आपका क्या हो जाएगा, वाट आवर इफिशियंसी बराबर आपका डब्ल्यू डी बटे आपका डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर हमको पता है क्या लिख सकते हैं, वी आई इंटू क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर एनर्जी बराबर वी आई टी होता है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं बराबर वी आई इंटू क्या लिख सकते हैं, टी, और यहाँ पर भी वी आई इंटू क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो वी डी आई डी और क्या हो जाएगा, टी डी, और चार्जिंग कंडीशन में है तो वी सी आई सी और क्या हो जाएगा, टी सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, इफिशियंसी डब्ल्यू एच इतना बराबर तो आप पहले पढ़ चुके हैं, इतना बराबर क्या पढ़े हैं, देखिए आई डी टी डी बटे आई सी टी सी बराबर क्या है, एम्पियर आवर इफिशियंसी है। तो चूंकि हमको पता है कि आई डी इंटू टी डी बटे क्या है, आई सी इंटू आपका क्या है, टी सी है, ठीक है। तो ये बराबर कितना दिया है, एम्पियर आवर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वाट आवर इफिशियंसी वी डी बटे आपका क्या है, वी सी इंटू आपका एम्पियर आवर इफिशियंसी आपका क्या हो जाएगा, ए एच हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर ये देखिए एम्पियर आवर और वाट आवर इफिशियंसी में क्या होता है, रिलेशन होता है। अब जो हमारा वाट आवर इफिशियंसी होता है, वाट आवर इफिशियंसी ये हमारा होता है 80% से लेकर के 85% तक होता है, ये वाली इफिशियंसी, समझ में आया। अब देखिए एम्पियर आवर इफिशियंसी से ये वाली इफिशियंसी कम क्यों है, क्योंकि बैटरी की हमारा जो रेटेड वोल्टेज होता है उसकी चार्जिंग वोल्टेज डिस्चार्जिंग वोल्टेज से क्या होती है, ज़्यादा होती है, समझ में आया। चार्जिंग वोल्टेज का मान हमेशा डिस्चार्जिंग वोल्टेज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब चार्जिंग वोल्टेज हमारी ज़्यादा होगी तो वाट आवर इफिशियंसी हमारी क्या होगी, कम होगी। वाट आवर इफिशियंसी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर चार्जिंग वोल्टेज हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वाट आवर इफिशियंसी क्या होती है, कम होती है। तो यही कारण है कि एम्पियर आवर इफिशियंसी से कम इफिशियंसी कौन सी होती है, वाट आवर इफिशियंसी, क्योंकि चार्जिंग वोल्टेज हमेशा 10% क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है। चार्जिंग वोल्टेज 10% हमेशा क्या रखा जाता है, हमेशा ज़्यादा रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है, समझ में आया। तो चार्जिंग वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो वाट आवर इफिशियंसी भी हमारी क्या, वाट आवर इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी की जो दक्षता है, एम्पियर आवर दक्षता उसकी 90% से लेकर के 95% है, और वाट आवर इफिशियंसी 80% लेकर 85% तक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा इसकी चार्जिंग वोल्टेज डिस्चार्जिंग वोल्टेज से क्या होती है, ज़्यादा होती है, समझ में आया। तो इसलिए जो है वाट आवर इफिशियंसी हमारी क्या होती है, कम होती है एम्पियर आवर इफिशियंसी से।